हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है अनिकांत फैमिली ब्लॉग्स में। तो शाम को मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो अनिका को लेके, अनिका को कुत्ते ने काट लिया है तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा दर्द में है और हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो वो खेत में गए हुए थे अपने पापा के साथ, तो वहाँ पे वो दोनों बच्चे खेल रहे थे तो इनको वहाँ पे कुत्ते भी आए हुए थे। तो फिर ये दूसरे किले में थे, इसके पापा और दादा दूसरे किले में काम कर रहे थे तो इस वजह से फिर ये उनके साथ खेल रहे थे। तो कुत्ते को इन्होंने जैसे डड़े वगैरह मारते हैं तो वो मारने में लगे पड़े थे, इनको पता नहीं था कि भाई वो काट भी लेगा, तो इस करके फिर वो उनके साथ मतलब ऐसे मारते रहे। तो फिर ऐसे करके मतलब वो कुत्ते ने अनिका को काट लिया, तो कान से काटा है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको। टांके आए हैं 4-5 उसको, तो खाल बिल्कुल ऐसे नीचे लटक चुकी थी और बहुत ज़्यादा खून भी बह चुका था। तो अब इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे हॉस्पिटल में, तो इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए हैं जो भी लगते हैं कुत्ता काटने पे, और टांके जो आए हैं वो भी आ गए हैं। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, रो रो के बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को भी, क्योंकि अनिका को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा रोई है। तो मैं तो गई नहीं थी, तो इसके दादा और इसके पापा ही गए थे इसको लेके हॉस्पिटल में। अगर मैं जाती तो मैं देख नहीं पाती इसको रोते हुए, क्योंकि ये नाजुक सी है वैसे ही, दर्द इसको थोड़ा सा भी मतलब ऐसे लग जाता है ना छोटी सी चोट भी, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उसको फील करती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसको। ये मेरी तरह है मतलब दर्द इससे सहन नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता कभी भी दर्द ऐसे सहन, तो इस करके ये भी नहीं कर पाई। लेकिन क्या करें, बस ऐसे चोट लग जाती है तो दर्द भी होता है। वैसे पेन किलर का मतलब इंजेक्शन लगाया था कि भाई पेन ना होए इसको, लेकिन वही बात है कि हाँ पेन तो होना ही था, ऐसे कैसे मतलब पेन नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत ज़्यादा इसको दर्द हुआ है। पता नहीं था कि हाँ ये हंसते खेलते हुए घर से गए थे, तो टाइम का कुछ भी पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। और जब ये आए ना, सच में इसके पापा बोले कि हाँ दर्द हो रहा है मतलब कुत्ते ने काट लिया, तो मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये नेक्स्ट डे है दशहरे वाले दिन, तो ये बच्चे बस ऐसे ही मतलब जिद कर रहे थे कि भई हमें मतलब दशहरा देखने जाना है। तो मतलब अनिका ठीक थी, उसको मतलब इंजेक्शन वगैरह दे दिए थे तो दर्द तो हो नहीं रहा था, पेन तो उसको हाँ मतलब टाके आए हुए थे तो दर्द की भी दवा दे रखी थी डॉक्टर ने, तो इस करके फिर मतलब उसको दवाई वगैरह दी है। तो अब बच्चे हैं तो हर साल में एक बार आता है, दशहरा भी एक ही बार आता है, तो इस करके फिर हमने सोचा कि मखा चलो कोई बात नहीं, बच्चों मतलब मन भी बहल जाएगा और ये जो इनको मतलब कल का जो हादसा हुआ इनके साथ तो ये भूल भी जाएंगे। तो दोनों बच्चे सहमे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि करण भी वहीं था और इसके साथ भी मतलब ऐसे पहले करण पे झपट्टा मारा और फिर बाद में अनिका को पकड़ लिया, अनिका को नीचे गिर लिया था कुत्ते ने। तो किले में थे, इनके कपड़े भी ऐसे धंसे हुए थे दोनों के ही, तो ये तो फिर ये तो बच गया था, जैसे ये उठ गया फिर इसको छोड़ के फिर ये अनिका के पीछे लग गया कुत्ता। तो ऐसे इस करके देखना मतलब चोट है ना, कान बिल्कुल लाल हो रखा है इसका बहुत ज़्यादा ही। तो फिर हमने सोचा मखा चलो इंजॉयमेंट भी हो जाएगा बच्चों का और बच्चे मतलब खुश भी हो जाएंगे, तो इस करके फिर हम दोनों बच्चों को लेके गए, इनको दशहरा दिखाया। तो अगले दिन नेक्स्ट डे था और डॉक्टर को भी दिखाना था अगले दिन, तो इस करके फिर हम इनको ले गए। तो ये ग्राउंड है 14 सेक्टर का, 15 सेक्टर का, तो वहाँ पर ये भरता है मेला, तो हम मेले में वहाँ पर गए हुए थे 15 सेक्टर में। तो बच्चे वहाँ पे मतलब काफ़ी खुश हुए वहाँ जाके, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो हर किसी ने अपनी देखो दुकान लगाई हुई है खिलौनों की, और इस दिन तो देखो बच्चे खिलौने खरीदते ही खरीदते हैं। तो ये हमारे दोनों बच्चे भी देख रहे थे कि भई हमें क्या खिलौने लेने हैं, और इसके पापा के साथ साथ हैं ये दोनों, मैं पीछे थी, करण भी मतलब मेरे साथ ही था वो, तो ये देखते चल रहे हैं हम भी कि क्या क्या मतलब शॉप लगी हुई है, क्या क्या खिलौने आए हुए हैं। तो बचपन में हम भी ऐसे ही जाते थे, हम भी ऐसे ही देखते थे कि हाँ भाई अगर खिलौने पसंद आ जाते हैं तो लेंगे। तो यहाँ पे अनिका जिद कर रही थी कि मेरे को पर्स लेना है, छोटा सा पर्स देख रहे थे हम अनिका के लिए, तो वो हम लेके आए हैं।
तो वैसे मतलब देखो भुलाई तो जाती नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ अगर कुछ हो भी जाता है, नाजुक से तो होते ही हैं ये, इनके साथ अगर कुछ हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अपनी तो चोट बल्कि सहन कर लेता है बच्चा बंदा, लेकिन ये है कि हाँ बच्चों की चोट नहीं सहन होती है। जैसे तैसे करके मतलब अपने मन को समझाया, दिल को समझाया, तो फिर आगे मतलब हमने सोचा मखा चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मतलब भाग की चोट। तो मेरा तो व्लॉग डालने का भी मन नहीं हुआ, तो बस ऐसे फिर मैंने सोचा मखा चलो थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेते हैं छोटा मोटा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो भी वीडियो मैंने बनाई है। वैसे मन तो नहीं मानता कि हाँ भी बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है तब, लेकिन फिर मैंने सोचा मखा चलो जैसे काम में ध्यान लगाएंगे तो ध्यान भी भटकेगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। तो बच्चे काफ़ी खुश हुए मेले में जाके, तो इनको जो खिलौने लेने थे इन्होंने बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं जो इनको चाहिए था, जो इनको लेना था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया बच्चों को भी। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो ने शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हाँ आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आप सब भी कमेंट करके बताना कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हादसा हुआ है क्या जैसे हमारे बच्चों के साथ हुआ है। सच में मेरे को तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया मतलब। तो बच्चों के बस क्या कहें, बस ऐसे भाग्य की चोट कहीं नहीं जाती। इनको घर पे भी लग चुकी है वैसे पहले काफ़ी बार, मतलब ये पड़ चुके हैं, खून भी आ चुके हैं, लेकिन पहला हादसा ऐसा हुआ है कि हाँ मतलब इतना बड़ा हादसा है। कुत्ता वैसे भी मतलब लड़की है और फेस वगैरह पे अगर मार देता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, तो इस करके फिर हमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। चलो ठीक है, मिलते हैं बाद।